मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात होगी। इस दौरान वाटर सेस और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये मुलाकात चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में हो सकती है। तो अहम मुलाकात ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये मुलाकात होनी है। और चूंकि हिमाचल सरकार की तरफ से हिमाचल से गुजरने वाले पानी को लेकर विद्युत परियोजना को लेकर एक स्थिति जो पैदा हुई कि वाटर सेस लगाया गया है, उस स्थिति को दूर करने का प्रयास हिमाचल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले हिमाचल सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने पंजाब के भी सीएम से भगवंत मान से मुलाकात की थी। और आज ये माना जा रहा है कि जब वाटर सेस के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी, तो कई और अन्य मसलों पर भी मंथन किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश किसी भी अंतर्राज्यीय जल समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकता है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में उनके प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार से पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश किसी भी अंतर्राज्यीय जल समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसे वाटर सेस लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हिमाचल ऐसा करता है तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान बंद किए जा सकते हैं। तो